वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप। आरएलपी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने यह चुनाव जीत लिया है और ये चुनाव राजस्थान की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला था और ये हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी यहां पर नहीं टिक सकता। आइए हम बात करते हैं खींवसर के नए विधायक नारायण बेनीवाल से, ये बताएंगे कि इस जीत को वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कैसे इस जीत को आप आगे जनता में कैसे लेके जाएंगे। देखिए, मैंने तो जिस दिन मुझे यहां से प्रत्याशी घोषित किया उसी दिन मैंने कहा था कि मैं तो एक टिकट मुझे दिया है पार्टी गठबंधन के तौर पर और मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। खींवसर की जनता, 36 कौम के लोग, आम आवाम खींवसर का नारायण बेनीवाल बनकर चुनाव लड़ेगा और उसी का आज परिणाम है कि इन्होंने मुझे जनसेवक के रूप में एक कांटों भरा ताज जो मेरे पे फहनाया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जीत खींवसर की आम जनता को मैं समर्पित करता हूँ। अब खींवसर और नागौर के लिए आपकी ऐसी कौन सी योजना है कि आप खींवसर का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि खींवसर लोग कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है। ये तो लोग कहने से नहीं होगा ना, आप देखिए कि कितना आगे खींवसर देश जो नेशनल वाइड जो है वो आप सर्वे करके ये पता कीजिए। खींवसर का प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। पिछले 15 साल में प्रत्येक गांव में मीठा पानी आ रहा नहर का। खींवसर के अंदर कॉलेज है, सीएससी है, उपखंड मुख्यालय है, तहसील है, पंचायत समिति है और शिक्षा का भी अच्छा ढांचा है, चिकित्सा शिक्षा का। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए, यही तो मैं हमेशा मीडिया के बंधुओं से निवेदन करता आ रहा हूँ कि आप जो है लोगों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये तस्वीर आपको बतानी है। क्यों? क्योंकि चौथा स्तंभ आप हो, आप पे लोगों की बहुत बड़ी निगाहें टिकी हुई है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा मीडिया के समस्त बंधुओं से कि आप पारदर्शी तरीके से पूरे देश में दिखाएं कि खींवसर को हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में खींवसर को कितना आगे ले गए। हनुमान बेनीवाल का सहयोग इसमें कितना मानेंगे जी? हनुमान बेनीवाल जी का सहयोग, उन्होंने विकासवाद के उस पर ही मोहर लगी है, उन्होंने विकास किया 15 साल और उसी का नतीजा है कि समस्त जो आम आवाम है वहां का, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके और मुझे अपना जनसेवक चुना। आपको दीपावली का तोहफा मिला एक जीत के रूप में, बहुत बड़ा चुनाव था आपके लिए भी, आपके राजनीतिक जीवन की यहाँ से शुरुआत हुई है। अगर ये चुनाव कहीं आप लूज कर जाते तो आपका यहीं पे राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो, शुरू होने से पहले समाप्त हो सकता था। आप इसका श्रेय जनता में कैसे देंगे, किसको देंगे? और मुख्य श्रेय देखिए तोहफा नहीं, मैं तो इसको कांटों भरा ताज मानता हूँ कि लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और एक जनसेवक अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं तो हमेशा परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि भगवान मेरे अंदर ऐसी बुद्धि पैदा करना कि मैं हमेशा दीनहीन जो गरीब लोग हैं इनके लिए रात को 12 बजे भी कंधे से कंधा मिला के इनके साथ संघर्ष करता रहूं। आपका मुकाबला मिर्धा परिवार से था, अब ये चुनाव मिर्धा वर्सेज बेनीवाल हो गया और नागौर में जो मिर्धा परिवार का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, अब बेनीवाल का नाम यहाँ नागौर में हर और पूरे राजस्थान में लोग मानते हैं कि बेनीवाल का नाम बहुत बड़ा नाम बन चुका है। आप इस मुकाबले को किस तरह से देखिए नाम किसी का बड़ा नहीं होता। नाम तो रावण का बहुत बड़ा था लेकिन घमंड से चूर हो गया, वही हाल मिर्धाओं का है। नाम कुछ नहीं, जो 20-20 साल से हार गए। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने से आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कद्दावर नेता, जो आदमी व्यक्ति 4 बार चुनाव हार जाता है उसको आप कद्दावर की श्रेणी में कैसे ला गए? ये मेरे तो अभी तक ये समझ के बाहर की बात है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, न कोई बेनीवाल जी बड़े हैं, न कोई मिर्धा बंधु बड़े हैं। बड़े हैं तो बेनीवाल जी की जो नीतियां हैं वो बड़ी है, उसी का नतीजा है कि लोगों ने आज इतने बड़े रूप से मुझे आशीर्वाद देके और अपना जनसेवक चुना मुझे। ये थे खींवसर के नए विधायक नारायण बेनीवाल, जिनका कहना है कि वो इसे कांटों का ताज मानते हैं और जनता का विकास कराकर वो खींवसर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। कैमरामैन अनीस के साथ हनीफ खान।